हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। अगर आप व्हाट्सएप का यूज करते हैं तो वीडियो को पूरा देखें और एक भी स्टेप मिस न करें। आज का ये वीडियो व्हाट्सएप के कुछ ऐसे सेटिंग के बारे में है जो आपको काफी पसंद तो आएगी ही और आपके काफी ज्यादा काम भी आने वाली है, तो बने रहें वीडियो के साथ लास्ट तक। बात किया जाए पहले सेटिंग के बारे में, तो ये सेटिंग उनके लिए है जो किसी ऐसे व्यक्ति से चैट या मैसेज करते हैं जो आगे चल के उनके लिए खतरा बन सकता है, या फिर आप किसी गर्लफ्रेंड से चैट कर रहे हैं और आप चाहते हैं जो भी मैसेज आपके तरफ से भेजा जाए वह एक निश्चित समय पर अपने आप ही उसके गैलरी और व्हाट्सएप से डिलीट हो जाए, ताकि अगले के पास आपके खिलाफ कोई सबूत न बचे। इसके लिए आप डिसअपीयरिंग सेटिंग को ऑन कर सकते हैं। ये सेटिंग हाल ही में व्हाट्सएप में जुड़ा है। इसके लिए प्रोफाइल पर क्लिक करके नीचे कोने में आई वाले मार्क पर क्लिक करके प्रोफाइल में आ जाना है। इसके बाद डिसअपीयरिंग मैसेज पर क्लिक करके इसके अंदर आ जाना है। यहाँ पर मैसेज टाइमर में आप जितना समय में अपने आप मैसेज डिलीट करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करके बैक आ जाना है। यहाँ पर आप जितना समय देंगे उतने समय बाद उसके मोबाइल से आपके द्वारा भेजे गए सारे के सारे मैसेज डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप 24 घंटे का समय सेलेक्ट करते हैं तो 24 घंटे में ही आपके द्वारा भेजे गए सारे के सारे मैसेज उसके मोबाइल से डिलीट हो जाएगा, जिससे आप होने वाले स्कैम से आसानी से बच सकते हैं। लेकिन अगले ने स्क्रीनशॉट ले लिया तो इसका कोई उपाय नहीं है। इस सेटिंग को ऑन करने के बाद उनके प्रोफाइल पर एक मार्क लग जाता है, जिससे पता चलता है कि ये सेटिंग उनके लिए ऑन है। अगर इस सेटिंग को हटाना चाहते हैं तो सेम वहीं से जाकर आप उसे ऑफ भी कर सकते हैं। दूसरे ट्रिक या सेटिंग की बात किया जाए तो ये सेटिंग उनके लिए है जिनके घर के मेंबर उनके मोबाइल की गैलरी हमेशा चेक करते रहते हैं और उनके फ्रेंड कोई प्राइवेट फोटो या वीडियो भेजते रहते हैं, या यूं कहें कि उनके गर्लफ्रेंड का भेजा हुआ फोटो वीडियो सिर्फ व्हाट्सएप में ही शो करे, गैलरी में न मिले। तो इसके लिए वे लोग मीडिया विजिबिलिटी सेटिंग को ऑन कर सकते हैं। सिंपली जिनका भी फोटो वीडियो हाइड करना चाहते हैं उनके प्रोफाइल फोटो पर क्लिक करके आई बटन पर क्लिक करके उनके प्रोफाइल में आ जाना है। प्रोफाइल में आने के बाद प्रोफाइल में आपको मीडिया विजिबिलिटी का सेटिंग मिलेगा, उस पर क्लिक करके ओपन कर लेना है। यहाँ पर पहले डिफॉल्ट सेलेक्ट रहता है, जहाँ आपको नो को सेलेक्ट करके ओके कर देना है। इसके बाद कोई भी फोटो वीडियो उनके द्वारा भेजा जाएगा वह सिर्फ व्हाट्सएप में ही शो होगा, आपके गैलरी में नहीं शो होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। लेकिन वहीं आपको ही कहीं जरूरत पड़ जाए कहीं पर रखने के लिए, तो आप कैसे देखेंगे वह मीडिया कहां पर सेव है। इसके लिए सिंपली अपना फाइल मैनेजर ओपन करना है और व्हाट्सएप वाले फोल्डर में आना है। इसके बाद मीडिया वाले फोल्डर में आ जाना है। मीडिया में आने के बाद अगर वीडियो है तो वीडियो के फोल्डर को ओपन करना है, और अगर फोटो है तो इमेज फोल्डर को ओपन करके प्राइवेट फोल्डर में आपको वह फोटो मिल जाएगा, जहाँ से आप कॉपी भी कर सकते हैं। यहाँ से आप कॉपी करके कहीं भी रख सकते हैं। तीसरे सेटिंग की बात किया जाए तो ये सेटिंग उनके लिए है जिनके पास बहुत ज़्यादा SMS और कॉल आते रहते हैं, और उनमें से किसी खास आदमी या गर्लफ्रेंड का भी मैसेज आता है और आप चाहते हैं मोबाइल जेब में ही रहे और आपको पता चल जाए कि हमारे खास आदमी का फ़ोन या मैसेज आया है। इसके लिए आप कस्टम रिंगटोन सेट कर सकते हैं, ताकि उनका कॉल या मैसेज आए तो अलग तरह से रिंगटोन बजे। इसके लिए सिंपली उनके प्रोफाइल को ओपन कर लेना है और कस्टम नोटिफिकेशन में आ जाना है। यूज कस्टम नोटिफिकेशन को चेक करके आप अपने हिसाब से एक अलग टोन उनके लिए सेट कर सकते हैं।
चौथे सेटिंग की बात किया जाए तो ये सेटिंग बहुत ही खास है। अगर किसी का भेजा गया फोटो आपसे गलती से आपके गैलरी से डिलीट हो गया है और अगर आपको वह फोटो या वीडियो की जरूरत आ गई है और जिसने भेजा था उसके पास भी नहीं है, तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके लिए सिंपली अपने व्हाट्सएप को ओपन करना है और जिसने भी फोटो वीडियो भेजा था उनके मैसेजेज में आ जाना है। जो फोटो वीडियो डिलीट हो गया है वह धुंधला दिखाई देगा। सिंपली उस फोटो वीडियो पर दो बार क्लिक करके उसे फिर से डाउनलोड किया जा सकता है 15 दिनों के अंदर। पांचवी सेटिंग भी बहुत खास है। अगर आप किसी को फोटो या वीडियो सेंड करते हैं तो उस फोटो वीडियो की क्वालिटी कम हो जाती है और अगर आप चाहते हैं बिना क्वालिटी लो किए ओरिजिनल क्वालिटी में फोटो वीडियो भेजना तो ऊपर बने थ्री डॉट पर क्लिक करके सेटिंग में आ जाना है। इसके बाद स्टोरेज एंड डाटा में आना है और स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद फोटो अपलोड क्वालिटी में आना है। यहाँ पर पहले से ऑटो रिकमेंडेड मिलता है, आपको बेस्ट क्वालिटी को सेलेक्ट करके ओके कर देना है। इसके बाद कोई भी फोटो सेंड करने पर उसके ओरिजिनल क्वालिटी में ही वहाँ पहुँचेगा। छठा सेटिंग भी अपने आप में बहुत ही खास है। अगर आप चाहते हैं किसी के मोबाइल में किन्हीं दो लोगों ने क्या क्या बात किया है उन दोनों का शुरू से लास्ट तक का चैट अपने मोबाइल में आ जाए ताकि आप बाद में उसे रीड कर सकें, इसके लिए अगले के मोबाइल में जिन दो लोगों का चैट रीड करना चाहते हैं उनके चैट में आ जाना है और ऊपर बने थ्री डॉट पर क्लिक करके मोर में आना है और एक्सपोर्ट चैट पर क्लिक करके विदाउट मीडिया पर क्लिक करके व्हाट्सएप से अपने नंबर पर सेंड कर लेना है। इसके बाद अपने मोबाइल में इसे किसी भी ब्राउजर या HTML व्यू में इनके सारे के सारे चैट को पढ़ सकते हैं कि इन्होंने आज तक क्या क्या बात किया है। सारे के सारे चैट डेट और टाइम के साथ आपको मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। कंप्यूटर मोबाइल और इंटरनेट की और अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।